जब बच्चे छोटे छोटे थे ना, और वो अपने परीक्षा का परिणाम लेके आते थे, रिजल्ट लेकर के आते थे और अच्छे मार्क्स आते थे, तो कितनी खुशी होती थी कि पूरे साल जो हमने मेहनत की है इनके साथ, उसी का ये परिणाम है। और बच्चे भी खुश होते थे, हम भी खुश होते थे। ऐसे ही हमें खुशी होती है जब हम प्लांट्स लगाते हैं, कटिंग्स लगाते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, और देखभाल करने के बाद जब फूलों का मौसम आता है तो ये खूबसूरत से फूल आकर के मुस्कुराते हुए हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। तो बस वही वाला एहसास होता है ना। मैं सरिता दिल्ली से, आज मेरे टेरेस गार्डन में कौन-कौन से फूल खिले हुए हैं और किस तरह से मुस्कुरा रहे हैं, बस हम मिलके वही देखते हैं। बहुत दिन हो जाते हैं ना बातचीत किए हुए। तो देखिए, ये आप देख रहे हैं मोगरा का फूल है, और इतनी सुंदर इसमें फ्लावरिंग हो रही है, पिछले 7-8 दिनों से हो रही है। और बहुत सारी कलियां आपको मैं दिखा रही हूँ कि कलियां भी बहुत सारी आई हुई हैं। इसकी प्रूनिंग मैंने कर दी थी पीछे, और खाद वगैरह डाला था, तो इसके बाद से सडनली इसमें देखा कि बहुत सारे फूल, नहीं तो ऐसा लग रहा था जैसे कि इसमें अब फूल खिलेंगे ही नहीं। तो प्यार से देखभाल करिए कोई भी चीज़, तो वो तो खिलते ही हैं, खिलते नहीं हैं, खिलखिला उठते हैं, है ना। चलिए, और भी मैं फूल दिखाऊंगी, उसके साथ साथ आप सबसे गुजारिश भी कर लेती हूँ कि प्लीज आप सब मेरे चैनल पे पहली बार है ना। हाँ, आप पहली बार है ना मेरे चैनल पे। अच्छा, आप भी तो है पहली बार। अब आप सबसे एक गुजारिश कर लेती हूँ कि आप सब पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे ना, कर लीजिएगा ना। और अगर वीडियो पसंद आएगा, बातचीत पसंद आए, तो लाइक भी कर दीजिएगा। अब ये विंका है, इसे मालूम है सदाबहार है, और ये देसी वाली वैरायटी है जो कि हमेशा ऐसे खिली रहती है। बहुत सारे लोग कहते हैं सदाबहार है जी, इसकी देखभाल की ज़रूरत उतनी खास नहीं होती है। अरे भैया, कैसे खास नहीं होती है, बच्चों की अगर आप ढंग से देखभाल नहीं करेंगे तो उनका ग्रोथ रुक जाएगा भाई, है ना। तो इसलिए इनकी देखभाल की भी ज़रूरत है। इसमें भी समय समय पर खाद पानी डालिए, तभी ये बढ़ेंगे अच्छे से और फूल भी हमें अच्छे से देंगे। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये सफ़ेद रंग का, ये पर्पल वाला, और थोड़ा सा हाई ब्रीड वाले भी मैंने लगाए हुए हैं। उस तरफ अगर मैं गई पहुंच पाई तो ज़रूर आपको दिखाऊंगी। ये 9 o'clock या मॉसरोस, बहुत सारे नाम से लोग बुलाते हैं। इसके भी फूल खिले हुए हैं। ये तो पिछले दिनों मैं टोकरी ही खरीद के लाई थी, लेकिन इसमें से कटिंग करके मैंने बहुत जगह लगा दिया है और हर जगह फूल खिल रहे हैं। गर्मी देखिए इतनी हो रही है कि 3 मिनट का वीडियो बनाने के बाद ही ऐसा लग रहा है जैसे कि बस मैं गिरी, अब गिरी कि कब गिरी। तो बचा ले मेरे प्रभु, आप सबसे बात तो कर लूँ, वैसे इतने दिनों के बाद आई हूँ। ये वाला जो आप देख रहे हैं ना मॉसरोज, साथियों ये वाला मैंने बीज से लगाया था, फेब्रवरी में बीज लगाया था, और पूरे एक पैकेट का बीज मैंने इसी में डाल दिया था। ये चाइनीज़ वाला है, इसके फूल अलग से खिलते हैं, और इसमें आप देख रहे हैं कि अलग अलग रंग के फूल खिल गए। और मैं सुबह के वक्त आती हूँ तो इसमें फूल खिले हुए होते हैं, जैसे जैसे दिन चढ़ने लगता है तो इसके फूल ख़त्म हो जाते हैं। और अब जो है इन्हीं नज़रों से मैं इस तरफ भी देखती हूँ, ये तो मैंने आपको कनेर का दिखाया था, ये देखिए यहाँ भी है, इसमें भी फूल खिले हुए हैं बहुत सारे, और इसमें से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया बहुत सारा, अब अलग अलग गमलों में लगा दिया और लगा करके बढ़ा लिया है बहुत सारा। कम से कम 10-12 गमलों में मैंने इसकी कटिंग लगा दी। ये देखिए कनेर का है, आपको पता है कि कनेर के मेरे पास तीन, दो बड़े वाले पेड़ हैं और एक ड्वार्फ वैरायटी वाला है जिसमें वो भी रेड कलर का ही है। तो अभी इसमें ये देखिए, ये वाला लाल वाले में ये डार्क पिंक कलर का है, आपको अगर कलर दिख रहा होगा तो, ये भी फूल आज इसमें खिला हुआ है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। हवा चल रही है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि धूप भी कम है या गर्मी कम है। मैं बिल्कुल गीली हो चुकी हूँ इतने देर के वीडियो बनाते हुए ही। कुछ और चीज़ें मैंने लगाई थी लेकिन वो चूंकि फूल से रिलेटेड नहीं है तो इसलिए मैं वो आपको नहीं दिखा रही हूँ। ये देखिए,
ये फूल से रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन इसको पिछले दिनों जब मैं सारी कटिंग कटाई छटाई कर रही थी, जितने भी हमारे पास प्लांट्स थे और उन्हें क्लीन करने के लिए टाइम निकाल रही थी, तो उसी वक्त मेरे दिमाग में एक आइडिया आया और मैंने इस तरीके से ये जेड के प्लांट को दो जगह भी लगाया है फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो ये अगर लग जाता है, वैसे भी ये मुझे लग रहा है ये सप्ताह 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो अभी तो ये लग ही गए हैं क्योंकि ये सूखी नहीं है पत्तियाँ, और वैसे भी आप सबको मालूम है कि ये प्लांट बहुत ही हार्डी है, ये लग ही जाता है। तो देखते हैं इस तरीके से फिर हम इसे और मल्टीप्लाई करेंगे थोड़ी बड़ी टहनियाँ लेकर के और उसे भी लगाएंगे। तो जेड के प्लांट बहुत सारा इस वक्त मैंने मल्टीप्लाई किया, लेकिन चलिए अभी आपको ले चलते हैं और दूसरी तरफ फूल जो खिले हुए हैं वहाँ पे। अभी एक ही फूल खिला है इसमें, लेकिन फिर भी मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि इस वाले प्लांटर में मैंने कटिंग लगाया था और आपको देखिए कि कलियाँ बहुत सारी इसमें निकल रही हैं, और सुबह के वक्त में जिस टाइम इसके फूल खिलते हैं उस वक्त मेरा यहाँ पे आ पाना थोड़ा मुश्किल होता है, रहती नहीं हूँ मैं इसलिए। तो इस वक्त में जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो थोड़े इक्के दुक्के फूल खिले हुए हैं। अब मैं आपको इस तरफ से दिखाती हूँ, ये देखिए बोगनवेला के फूल जो है कितने खूबसूरती से खिल रहे हैं। जितने भी मेरे पास प्लांट हैं उसमें से तकरीबन सारे प्लांट्स में फूल खिल रहे हैं। ये आपको थोड़ा सा दूर होकर के मैं दिखाती हूँ कि एक ये साइड वाले हमारे प्लांट में देखिए कितने सारे फूल खिले हैं। यहाँ से आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए ऊपर की तरफ ये गई हुई टहनी यहाँ पे और फिर यहाँ तक फूल खिले हुए हैं इसके। जब आज के खिले फूलों की बात हो रही है और ये इसके पास से मैं गुजर जाऊं, इसे ना दिखाऊं तो नाइंसाफी नहीं होगी इसके साथ। देखिए क्योंकि इस बहुत खूबसूरती से एकदम खिलखिलाते हुए इसके फूल जो हैं पूरे मौसम, जब से ये सीज़न शुरू हुआ था उस वक्त से ही खिल रहे हैं। और मैंने तकरीबन इस बार जितने भी वीडियो बनाए हैं सब में आपको मैंने इसके फूल को दिखाया है, फिर आज दिखा रही हूँ। देखिए आज फिर इसमें बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, कम से कम 8-10 फूल एक ही प्लांटर में है, एक ही प्लांट में है, और इस तरह से जितने भी हिबिस्कस के हैं वो हर जगह पे फूल जो है खिल रहे हैं। अभी अभी थोड़ी सी हवा चली है, इतना सुकून सा लग रहा है ना, जो पसीना है बदन में उसमें हवा लग रही है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, ठंडा ठंडा सा महसूस हो रहा है, कूल कूल। ये देखिए, ये दिख रहा है आपको, ये मनी प्लांट का बड़ा सा पत्ता है और इसको कितनी खूबसूरती से उसने स्टिच करके, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी इस पर वीडियो बनाऊं लेकिन मैं नहीं बना रही थी क्योंकि इस में उसने घर बनाया हुआ था और अंडा दिया हुआ था। आपको मैं इधर से दिखाने की कोशिश करती हूँ, देखिए यहाँ से ये देख रहे हैं कितने खूबसूरती से उसने इस मनी प्लांट के पत्ते को स्टिच करके, स्टिचिंग देखिए जैसे हम तुरपाई करते हैं ना वैसे बिल्कुल तुरपाई आपको नज़र आ रही होगी, और इसमें भी उसने अंडा दिया था और एक पक्षी का जोड़ा जो है वो इसमें रह रहा था और फिर इससे उसका बच्चा निकल गया। तो मैंने इसको पिछले दिनों बिल्कुल टच नहीं किया था इसी के वजह से। तो ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो है नेचर की हमें दिखती हैं तो कितना अच्छा लगता है, इसी वजह से हमें गार्डन जो है इतना खूबसूरत लगता है। अभी बहुत सारी चीज़ें मल्टीप्लाई हमने की है, बहुत सारे प्लांट्स को मल्टीप्लाई किया है। ये देखिए स्वीट पोटैटो वाइन की जो वाइन है वो हमारे यहाँ बहुत सारा फैल रही थी, तो कुछ गमले मेरे खाली हो गए थे तो उन गमलों में फिर से मैंने ये कटिंग आज लगा दी है। इसी तरीके से कटिंग लगाते रहते हैं बहुत सारे गमलों को। वैसे तो मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ कि मेरे गमले हमेशा साफ़ सुथरे रहते हैं क्योंकि मैं रोज़ कम से कम 1.5 से 2 घंटे सुबह के वक्त में ज़रूर इन दिनों लगा रही हूँ कि मेरा गमला बिल्कुल साफ़ रहे, क्योंकि अगर इस वक्त में हम गमले को साफ़ नहीं रखेंगे और उसमें पत्तियाँ छोड़ देंगे तो बारिश जैसे ही होगा उसके पानी जाने से वो पत्तियां गलती हैं और फिर इन्फेक्शन हो जाते हैं पत्तों में और उसमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं। तो इसलिए हमेशा गमले को साफ़ सुथरा ही रखने की ज़रूरत होती है हम सबको।
ये वाला बोगनविला जो है ये अलग वैरायटी है और ये कलर भी बिल्कुल अलग है। वो मैंने आपको गुलाबी रंग का मजेंडा कलर का दिखाया था और ये है बिल्कुल सुर्ख लाल है, सुर्ख रंग में है। पता नहीं वीडियो में कैसा आ रहा होगा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये सामने बिल्कुल सुर्ख रंग में ये फूल खिले हुए हैं। और इसके बाद इस तरफ में आ रहे हैं, आपको देखिए कि ये वाले प्लांटर में भी ये जो टॉर्च बोगनविला है हमारा, इसमें देखिए कितने खूबसूरती से फूल खिले हुए हैं। ये मैं आपको दिखाती हूँ, जितनी टहनियाँ हैं जैसे ही फूल इसके खिल के ख़त्म हो जाते हैं ना, तो वहाँ पे प्रूनिंग कर देने की ज़रूरत होती है। जैसे देखिए कि इस वाले यहाँ पे बंच में आपको दिख रहा है, ये फूल खिल के ख़त्म हो गया है। अब इसकी मैं कटिंग कर दूंगी, प्रूनिंग कर दूंगी, ताकि यहाँ से फिर नए फूल खिले। क्योंकि इन सारी चीज़ों देखो, यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी सबकी कटिंग की थी तो इसमें नए नए फूल जो है वो खिले हैं। तो इस तरह से मैंने जितने फूल खिले हैं, और अब फिर से धूप तो बहुत तेज हो रही है। हाँ, भले ही हवा चल रही है लेकिन धूप भी बहुत तेज है और यहाँ पे रुक पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, इतनी गर्मी मुझे लग रही है। तो साथियों, बस जो मेरे टेरेस गार्डन में आज फूल खिले थे उससे मैंने आप सबको दिखाया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके टेरेस गार्डन में भी बहुत सारे फूल खिले होंगे। तो आप भी दिखाइए, एक दूसरे के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब करिए। बस यूँ ही मैं कैमरा मूव कर रही हूँ और मुझे अपना ही चेहरा दिख रहा है इस कैमरे में, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है कि वीडियो क्या बन रहा है और किस तरह से बन रहा है। तो चलिए, फिर भी नाना करते करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, इतना बड़ा वीडियो बन गया है। फिर एक नए विषय पे वीडियो बनाऊंगी, आपसे मिलने आऊंगी। आप सब अपना बहुत 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 ख्याल रखिए और मुझे जाने दीजिए। नमस्कार।